कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाथ धोने से हम कोरोना वायरस को हराएंगे, हम कैसे हरा पाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी जब ये जल विभाग हमारे लिए एक टप का पानी नहीं दे रहा, आज हम 15 दिन से परेशान हैं और हम गांव गोची जाटव समाज मोहल्ले से। NIT फरीदाबाद के वार्ड नंबर 5 के गोची गांव के लोग कई दिनों से पानी की समस्या को लेकर काफी परेशान हैं। गोची गांव के लोगों ने कई बार स्थानीय पार्षद ललिता यादव और विधायक नीरज शर्मा को इसकी शिकायत दी, लेकिन विधायक और पार्षद ने उनकी सुनवाई अभी तक नहीं की। आज गोची गांव के लोगों ने निगम जल बोर्ड पर जाकर धावा बोला और खूब जमकर नारेबाजी की। गोची को पानी दो, गोची को पानी दो, मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, नीरज शर्मा जैसे को विधायक बना करके ये पब्लिक, ये बहू बेटियां आज पानी के बगैर इतनी परेशान है कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाथ धोने से हम कोरोना वायरस को हराएंगे, हम कैसे हरा पाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी जब ये जल विभाग हमारे लिए एक टप का पानी नहीं दे रहा, आज हम 15 दिन से परेशान हैं और हम गांव गोची जाटव समाज मोहल्ले से। सबसे पहले हम संजय करौली पुलिस चौकी गए थे, जो कि इंचार्ज साहब ने हमको यहाँ जलघर भेजा है और जलघर वाले कहते हैं कि ये हमारे अधिकार में नहीं है, तुम वहाँ जाओ वहाँ जाओ, हमको धक्का खिला रहे हैं। मेरे दोस्तों, इससे तो अच्छा है कि हम प्यासे मर जाए, कोरोना वायरस तो हमें कम मारेगा लेकिन प्यासे मर जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हम चाहते हैं कि अगर सरकार प्यासा मारना चाहती है जनता को, तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। नीरज शर्मा, क्योंकि हमारे 350 लोगों की बस्ती है गोची गांव में, क्योंकि हमारा पहले भी सरकार ने दो हिस्सों में एरिया बांट दिया, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 5 कर दिया है। जब हम सोल के पास जाते हैं तो कहते हैं कि कौन से वार्ड से आ रहे हो पानी के लिए, वो कहते हैं वार्ड नंबर 1 के इंचार्ज में। वार्ड नंबर 1 वाले कहते हैं हम तो 5 नंबर वार्ड के इंचार्ज हैं। अब लोगों को 15-20 दिन हो गए लगभग, हमें पानी नहीं आ रहा है, इसी तरीके से हम धक्का खा रहे हैं। अफसर हमारे लिए परेशानी उठा रहे, कोई जो कहता वहाँ जाओ, यही कहता वहाँ जाओ, SDO कह रहा वहाँ से मिलो, मैं इसका इंचार्ज नहीं हूँ, मेरे पे एरिया नहीं है, जैसे पानी आएगा पीछे से वैसे हम जाएंगे। पानी छोड़ते भी हैं तो आधे मोहल्ले में जाता है, वो कि जाटों की बस्ती तक ही पानी की समाप्त वहीं रुक जाता है, आगे पानी नहीं जाता है, क्योंकि 15-20 दिन का हम ये परेशानी उठा रहे हैं। हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, ना तो नहा रहे हैं, ना धो रहे हैं, ना लैट्रिन के लिए पानी है, अब कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहाँ मरें? हमारे नीरज शर्मा जी विधायक जी हमारे को सुन के राजी नहीं है, जो कि हम काफ़ी समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और जो कि हमारी जो पार्षद है वार्ड नंबर 5 की नीरज शर्मा जी, ललिता शर्मा, वो भी हमारी बेकार हो चुकी है। ठीक है, ललिता राजी अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।